महाराजगंज में पीएम मोदी के संभावित रैली से पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं के इस्तीफे ने खलबली मचा दी। रिसवा में निवर्तमान विधायक को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, जिससे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। वहीं लगातार कार्यकर्ता प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनकी एक नहीं सुनी, जिसके बाद सिसवा से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बागी होकर निर्दलीय नामांकन कर दिया, जिससे महाराजगंज के राजनीति अखाड़े में भूचाल आ गया। बीजेपी प्रत्याशी के सामने एक निर्दलीय बीजेपी का एक सिपाही भी चुनावी मैदान में है, जिससे सिसवा में चुनावी गर्मी बढ़ गई है। वहीं पार्टी के कई नेताओं ने बीजेपी के प्रत्याशी को मनाने की कोशिश की, लेकिन रिजल्ट जीरो रहा। आज सिसवा में बीजेपी के तमाम मंडल अध्यक्ष और बीजेपी के बूथ अध्यक्ष तक के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे की मीडिया के सामने पेशकश की। मैं संजय श्रीवास्तव, जयदा मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी का हम सिपाही हैं, काम करेंगे। जब त्यागपत्र दे रहे हैं, फिर भी हम काम करेंगे, योगी और मोदी का सहयोग करेंगे। क्यों त्यागपत्र इसलिए दे रहे हैं कि किसी भी ग्राम सभा में हम लोग जा रहे हैं, गालियाँ सुन रहे हैं। विधायक, वर्तमान विधायक प्रेम सागर पटेल जी का बहुत विरोध है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है, इसलिए हम लोग अपना मान सम्मान बचाने के लिए त्याग पत्र दे रहे हैं। हाथ में लेने ऐसे ऐसे दिखाई दे। हाँ हाँ, अभिषेक बाबू पेपर हाथ में लीजिए। अब जी आपका नाम क्या है? मैं अभिषेक पांडे, भारतीय जनता पार्टी निचलौल मंडल के अध्यक्ष पद का दायित्व, अध्यक्ष पद के दायित्व का निर्वहन कर रहा था। अभी तमाम उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं से जुड़े रहने के नाते बहुत लंबे समय से हमने अपने कम उम्र से ही संघ के शाखाओं से होते हुए भारतीय जनता पार्टी संगठन में हमने लगभग 15 साल का समय हमने खुद दिया हुआ है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी को, उसके पहले बचपन में मैं बाल श्रम सेवक था, बाल, और तभी से संगठन का मैं कार्य कर रहा था। पूरी निष्ठा और कर्तव्य निष्ठ होकर मैंने संगठन के दायित्व का पूरी तरह से निर्वहन किया, लेकिन वर्तमान की स्थिति को देखते हुए, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए और माननीय जो हमारे प्रत्याशी श्री प्रेम सागर पटेल जी हैं, उनका क्षेत्र में तमाम विरोध है, तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तमाम वो कार्यकर्ता जो गाँव में प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं, उन लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोग, जनता जो है काफ़ी रुष्ट है, नाराज़ है, बहुत सारी टिप्पणी भी सुनने को मिल रहा है। ऐसे में हमारा व्यक्तिगत छवि जो है वो पूरी तरह से धूमिल हो रहा है, और मैं किसी और के अन्य के चक्कर में मैं अपना व्यक्तिगत छवि धूमिल नहीं होने दे सकता, क्योंकि जिस सम्मान के लिए मैं पार्टी से जुड़ा था और जिस सम्मान के लिए मैं राजनीति में आया था, वह चीज़ मेरा जब खत्म हो जाएगा तो फिर हमको राजनीति में रहने से कोई मतलब नहीं है। हमें वर्तमान विधायक है प्रेम सागर पटेल, क्यों विरोध हो रहा है, किस बात को लेकर गांव में इनका विरोध हो रहा है? उनका देखिए, 5 साल वो विधायक रहे, क्या किए कैसे किए ये हम उनके नज़दीक तो रहे नहीं कि हमको पता है। हम चूँकि कार्यकर्ता थे, हम संगठन का काम कर रहे थे। अब लेकिन जनता विरोध कर रही है, तमाम उन बातों को लेकर विरोध कर रही है जो आप सबके संज्ञान में है, सभी पत्रकार बंधु जानते हैं क्या क्या विषय है, क्यों है, कैसे है, ये सारी चीज़ें जनता के बीच में, पत्रकार के बीच में, हम सभी के बीच में आ रही हैं, सुनने में आ रहा है। आप अभी कह रहे हैं कि हम नज़दीक नहीं थे, और इस समय नज़दीक होकर के उन्हीं के द्वारा जो है आप प्रचार प्रसार के लिए क्षेत्रों में निकले थे, जिस पर आपको सामना करना पड़ रहा है। देखिए, हम नेता के नज़दीक, किसी नेता के नज़दीक नहीं रहे, हम संगठन का काम करते थे, संगठन के दायित्व पे थे, और संगठन के ही हित में आज हमको ये निर्णय लेना पड़ रहा है, और इसीलिए शायद हम बाध्य हैं, क्योंकि बहुत तनाव में। आप लोगों के साथ कितने लोग त्याग पत्र दे रहे हैं? साथ क्या है भाई साहब की अपनी मर्जी। आप लोग कौन है और किस बात का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है? पारा परी बोलेंगे। हम लोग मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हम लोग अपना त्याग पत्र दे रहे हैं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्यों त्याग पत्र दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों ने लिखित रूप से दिया था, पार्टी को, प्रदेश अध्यक्ष को दिया था, जिला अध्यक्ष को दिया था। इस बार पुनः प्रेम सागर पटेल को भारतीय जनता पार्टी से सिसवा विधानसभा का कैंडिडेट न बनाया जाए,
इसके बावजूद पार्टी ने उन्हीं को पुनः प्रत्याशी बनाया तो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, उनको पार्टी ने भेजा तो एक्सेप्ट किया। लेकिन जब हम लोग क्षेत्र में प्रचार के लिए गए तो प्रेम सागर पटेल के नाम पर हम लोगों को गालियां सुनने को मिल रहा है, हम लोगों के कार्यकर्ताओं को गालियां सुनने को मिल रहा है, आम जनता से दौड़ा दे रहे हैं सब। इसलिए पार्टी के स्वाभिमान के रक्षा के लिए मैं अपने पद मिठौरा मंडल अध्यक्ष के पद से त्याग पत्र दे रहा हूँ। 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री का आगमन महाराजगंज जिले में हो रहा है, तो आप त्याग पत्र आज क्यों दे रहे हैं? हम लोग त्याग पत्र इसलिए दे रहे हैं आज कि माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, इस बात को समझें, एक बार और गंभीरता से लें। अभी समय अगर है पार्टी को तो अभी कैंडिडेट चेंज कर सकते हैं। लोग क्यों आक्रोशित हैं, भाजपा से या जो है कैंडिडेट से? सुनिए, दोबारा रिपीट करिए। चलिए, अलग अलग हो जाएगा ना सबका, आप आ जाइए। आपको नहीं बोलना चाहिए, चलिए कट कट। आप लोग कौन है और किस बात का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है? पारा पारी बोलेंगे। हम लोग मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हम लोग अपना त्याग पत्र दे रहे हैं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्यों त्याग पत्र दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों ने लिखित रूप से दिया था पार्टी को, प्रदेश अध्यक्ष को दिया था, जिला अध्यक्ष को दिया था। इस बार पुनः प्रेम सागर पटेल को भारतीय जनता पार्टी से सिसवा विधानसभा का कैंडिडेट न बनाया जाए, इसके बावजूद पार्टी ने उन्हीं को पुनः प्रत्याशी बनाया तो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, उनको पार्टी ने भेजा तो एक्सेप्ट किया। लेकिन जब हम लोग क्षेत्र में प्रचार के लिए गए तो प्रेम सागर पटेल के नाम पर हम लोगों को गालियां सुनने को मिल रहा है, हम लोगों के कार्यकर्ताओं को गालियां सुनने को मिल रहा है, आम जनता से दौड़ा दे रहे हैं सब। इसलिए पार्टी के स्वाभिमान के रक्षा के लिए मैं अपने पद मिठौरा मंडल अध्यक्ष के पद से त्याग पत्र दे रहा हूँ। 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री का आगमन महाराजगंज जिले में हो रहा है, तो आप त्याग पत्र आज क्यों दे रहे हैं? हम लोग त्याग पत्र इसलिए दे रहे हैं आज कि माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, इस बात को समझें, एक बार और गंभीरता से लें। अभी समय अगर है पार्टी को तो अभी कैंडिडेट चेंज कर सकते हैं।